कचरा किता बैठे सो लाहौर है सारो ए लाहौर को कुछ नहीं बोल रहा हूँ लावा बाजू लावा अब होता है इस कचरे का होता क्या इसका कचरे का बताएंगे हरीश भाई के इस कचरे का क्या किया जाता है क्या बनता है इससे और वाजिद हुसैन इससे कितना कमाते हैं कितना मतलब के इनका बिजनेस के बारे में हरीश बताएंगे कि भाई इस बिजनेस में इतना बचता है इतना ये और वाजिद हुसैन ने कितने लोगों को बेरोजगारों को मतलब के रोजगार दिया हुआ है कचरा उठाने में मतलब के ड्राइवर रखे हुए कचरा उठाने वाले वर्कर वगैरह मतलब सब कुछ इन्होंने अलग ही दुनिया बनाई हुई है मतलब बेरोजगारों को रोजगार दिया हुआ है। इसके बारे में हरीश भाई से पूछेंगे कि भाई इस कचरे का होता क्या है। जी हरीश भाई इसका बताना। इस कचरे का जो है वाजिद खुद कचरा है एक पहली बात वा, 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 है। यार नाम लिया है कि वाजिद खुद कचरा है। वाह वाह ठीक है अब इज्जत हो रही है अब इस कचरे इज्जत हो रही है तेरी तेरी इज्जत ऐसी है। अब इस कचरे का होता क्या है ये मुझे भी नहीं पता पर ये पता है कि वाजू ने जो है ना बहुत सारे लोगों को वाकई इसको बेरोजगार लेके इनको कचरा उठाने में लगाया हुआ है। अच्छा तनवीर कभी इसको भी उठा के ले जाते हैं फिर वापस अड़े गए तो हमारा इंचार्ज है फिर छोड़ जाते हैं गाइस देखो सारे छोटे 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 दोस्त वाजिद नाल कितनी खिलाफ प्यार मिठी मिठी के बेस्ती में दिख रहे और जितनी भी कर के ना ओ खाने से कोई परवाह नहीं है ये बात है नाराज नहीं होता ये नाराज नहीं थी ना सही ये दी पक्की आ जाते नाराज वाली कहानी है ही को नहीं रे और जो मर्जी आंखों पे मैं थोड़े लाल है बेस्ती करने से मिठी थोक ना बना ला दियो बना थोक ना ला दियो ताको कोई को नहीं नहीं यार ये में इतनी में बेस्ती नहीं 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 मैं गाल कर एजी गाल ना कर नहीं यार ये तारीफ थी क्या थी तारीफ थी तारीफ थी नाश्ता सवेरे नाश्ता ना सवेरे दुकान किराने की सवेर से सारे ना दुकान पे आमदे सवेरे वे सूते वाला सवेरे सारी कोई नहीं 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 नाश्ता सारे के नंदन करे ना कोई कह नहीं देख कोई नहीं करवे ना कोई नहीं ना ना सारे सारे आते नाश्ता के नंदन देख को के कोई नहीं करवे ऐसे आमदन सवेरे सवेरे ना मोनू वाला के उधार रखवा देवे ने भाई ये ना ले सवेरे सवेरे उधार रखा दे मनुज दादी ने देला ये खड़ा है वो आदमी नहीं भाई मैं जब भी आऊंगा नहीं नहीं उधार अपने पास कितनी है वो दे ना इधर उधार देना सुबह सुबह पुरानी है मेरी अभी की थोड़ी है अच्छा पुरानी है कारोबार में उधार वगैरह चलती रहती है दुकानदार जो भी बिजनेस है कारोबार है जो जितना भी मतलब के बड़ा कारोबार है छोटा कारोबार है उधार उसमें चलती रहती है ठीक है उधार हम ले जाते हैं तो आपको वापस भी कर देते हैं ये नहीं ऐसे नहीं पास है ना एक उधार लेने आता है नमाज पढ़ के सुबह सुबह से आता है ऐसे गंदा मुंह लेके आ जाता है तीन पापे दिया दो कैक दिया के लेके घूम जाता है ये उधार होती है बंदा आता है सुकून करता है आता है सुकून से बैठता है पहले चाय पानी इसके पास पीता है फिर नाश्ता लेके जाता है। वैसे किया करेंगे हम आपके पास आएंगे पहले आप हमें बिठाना पहले आप अपने घर की चाय पिलाना नाश्ता खिलाना फिर हम अपना नाश्ता लेके जाएंगे चाय पिलाएंगे यही होता है बंदा जाता है नाश्ता लेते हैं वापस आता है बंदा आता है नाश्ता लेता है भाई अब मैं आऊंगा तू मुझे बिठा तू मुझे नाश्ता करवा नाश्ता ले जाएगा तो किराएगा ना नाश्ता लेके जाएगा तूने कहा मेरे पास आते हैं नाश्ता लेते चले जाते तूने ये नहीं बोला कि भाई तू कह रहा तू ये गिला है ना कि मेरे पास आके बैठते नहीं है चाय नहीं पीते नहीं नहीं बस अब पैर लो जी सैमसंग गाइस देखो सी आपस में लगे थे क्योंकि सारा दिन इकट्ठे रहते हैं सवेरे का नाश्ता के नहीं दुकान पे रहते हैं नहीं अगे तो उधार देती या कौन देती तू गए थो से नाराज थी ना लग रहा उधार ही कौन रहे ना को आके बड़ा लमु ताती पे आ गए लगा दे सो होगा गाइस लग दो नाराज थी के उधार लग दी ने उधार बांधे लग दे आज ये पाले दी पे रे देख चिंता वादा मन वादा ते मैं चिंता वादा थोड़ी देर बाद तो थोड़ा जाओ असल जे को हदीस ले जान की दे ये वीडियो जान की दे सही पर चिंता वादा हां वो देख वो क्या कह रहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई जान पार्टी शुरू हुई है हां क्या कर
देखें छोटा वेला फैजू भी जो है ना इसकी मतलब की इज्जत करता है, इज्जत नहीं करता है। ये भी वेला फैजू और वाजिद सर हमारे कजन है, वेले फैजू का वाजिद भी कजन है, इसकी इज्जत भी करो तो इसको बेइज्जती लगती है। बेइज्जती ना करो ये उल्टा सीन है सर, ये मानना पड़ेगा भाई जान। अच्छा मैं आप लोगों को बाजू की एक तस्वीर दिखाऊं। अगर दिखाई बाजू की कोई तस्वीर है कि लगता है वो लिख के करना चाहते हैं वो तो ब्लैकमेल खिलाते लगते हैं। मैच की तस्वीर दिखा वैसे क्या तस्वीर है माजरत का तू बोल नहीं आप अच्छा अब उससे ना नाश्ता फ्री करो इसे नाश्ता ये बात नाश्ता फ्री करो व्यूअर्स के लिए ये सीक्रेट है भाई, ये हम इसकी तस्वीर दिखाएंगे आपको। ये बहुत सीक्रेट है अभी नहीं, ये इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे, कल के व्लॉग में नहीं नहीं ठीक है हम आपको दिखा रहे हैं अभी फिलहाल यासीन भाई की पिक्चर दिखा रहे हैं फिलहाल ये हुई बड़ी एडिट ठीक है आप मान नहीं एडिट नहीं है नहीं मैं अच्छा मैं यासीन भाई को दिखाता हूँ खुद समझ जाएंगे। अच्छा मैं मुंह छुपा के हल्का सा नहीं 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 मैं मुंह नहीं 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 वो देखेंगे नहीं ना देखें ऐसे अभी नहीं ठीक है अगले में लगता है खास वाजिद की खास तस्वीर है कोई जगह ना और वो कल खिला पे पंद्रह मिनट हो गए वाजिद साहब इंचार्ज ने वाजिद अली ने इंचार्ज ने जैसे कहा था कचरा इंचार्ज ने कि 15 मिनट बाद ट्रेन चली जाएगी। आप देख सकते हैं ये ट्रेन जा रही है सर देखो ट्रेन चल पी है और देखो ट्रेन जा रही है कचरे वाले इंचार्ज भाई निकल पी है इंचार्ज भी जो है ना कचरे वाली ट्रेन टाइम पे जा रही है बंदों वाली लेट आती है और लेट जाती है कचरे वाली टाइम ये हमारे क्योंकि टाइम पे कचरे वाली इसलिए जाती है आती है भाई क्योंकि इसका इंचार्ज हमारा कजन वाजिद सईद जिसने हमारे शहर को डेयर की शहर को मेंटेन किया है क्योंकि टाइम पे कचरे वाली इसलिए जाती है आती है भाई क्योंकि इसका इंचार्ज हमारा कजन वाजिद सईद जिसने हमारे शहर को डेयर की शहर को मेंटेन किया है। ये बात ही नहीं गेट नंबर से ऊपर हमारे शहर में कचरा है बिल्कुल भी और ये खुद इधर ही है खुद इधर ही है सबसे बड़ा कचरा है। चलो गाइस तुसा लिखा उस जो अज गप शप लाते इन्होंने नाल स्टेशन दे कुछ जल लगे तुसा कमेंट करना है दसना है चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है नेक्स्ट मिलते अगले भी लोग के नाल।